तो हेलो दोस्तों, तो आज हमें हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में तो ये मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है काबुलीबाग मस्जिद और इसे बाबरी मस्जिद के भी नाम से जाना जाता है। तो इस मस्जिद का निर्माण 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी और ये इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उसी के मतलब उपलक्ष्य में की है। तो आपको आज मैं दिखाऊंगा इसके सारे मतलब आपको इसका इतिहास भी बताऊँगा और भी काफ़ी सारा है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो में। तो अभी मैं इसके ऊपर भी चढ़ूंगा, जो दिख रहा है इसके ऊपर मैं अभी नहीं चढ़ूंगा, अभी आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ। तो दिल्ली काफ़ी अच्छे इसके व्यू है और काफ़ी इससे डिज़ाइन मतलब काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन भी इस पर है। तो आपको मैं अभी ये मतलब थोड़ी सी टूट भी गई, देख सकते हो ये मतलब ये बहुत ही पुरानी है। और इधर ये इसके मतलब किनारे भी पार्किंग सी बना दी है, देख लीजिए इसके पूरे चारों तरफ इसके पार्किंग सी, तो देख लीजिए। और काफ़ी बढ़िया उसका मैं कुछ अभी मैं इसकी मैं हिस्ट्री देखता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। लेकिन ये मतलब बहुत पुरानी मस्जिद है हरियाणा में, जो पानीपत पड़ता है, पानीपत के पास में ही है ये, हो गया 5 किलोमीटर दूर। तो आपको बता दूँ, जिसके यहाँ पर आना चाहते हो ना, तो यहाँ पर तो आपको बता दें, पानीपत से आप बस स्टैंड तक उतरोगे तो वहाँ पर आओगे आप संजय चौक। संजय चौक के लिए आप पुलिस चौकी पड़ती है, वहाँ तक आओ ऑटो से, और यहाँ से भी ऑटो मिल जाते हैं, आप आ सकते हो। तो पुलिस चौकी से यहाँ तक काबुलीबाग मस्जिद इसका नाम है, तो यहाँ पर आप बोल देना, आप आ सकते हो। मतलब मस्जिद के साइड का ही व्यू है ये, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा मैं। और देख लीजिए ये मतलब काफ़ी बढ़िया है, मतलब बढ़िया चीज़ है, मतलब और थोड़ा टूट भी गया है अंदर मस्जिद, तो टूट सी गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया सीन है यहाँ का। और यहाँ पर सारे लोग रहते हैं, और देख लीजिए, और अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया सीन है। और यहाँ की काफ़ी मतलब दिखाऊंगा, मतलब काफ़ी कलाकारी, मतलब बढ़िया डिजाइन है इस पर, बहुत सारी इसकी मतलब खूबियाँ आपको सारे कुछ बताऊंगा। तो ये आपको बता दीजिए, ठीक गेट पर है ये, गेट पर बनी हुई ये गुम्बद है, इसमें काफ़ी बढ़िया डिजाइन है इसमें। तो ये गेट है, गेट के ठीक ऊपर ये मतलब गुम्बद बनाया गया है, देख सकते हो। और ये अंदर का व्यू है, अभी आपको अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने से हमारे इस वीडियो में, और सामने अभी आपको मैं दिखाऊँगा बहुत कुछ इसमें। और देख लीजिए में गेट भी लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर जा नहीं सकते, मैंने अभी पूछा था, वो मना कर रहा है। जी दोस्तों, ये मतलब इसमें गेट लगा हुआ है ये, तो इसमें अंदर नहीं जा सकते हैं, और आपको दिखाते हैं बाहर से, ठीक है। और काफ़ी अंधेरा सा है अंदर, लीजिए मतलब काफ़ी गेट है यहाँ पर, इसमें भी अंदर दिख नहीं रहा है साफ, अब दिखा। ताला लगा हुआ है इसमें, और इसमें अंदर जा नहीं सकते हैं, और देख लीजिए, और काफ़ी इसमें मतलब काफ़ी ऊँचा है ये, तो यही कुछ। और आप इसमें उर्दू में लिखा हुआ है, मुझे तो पता नहीं है क्या लिखा है ये, कि मैं उर्दू नहीं पढ़ पाता हूँ। और उसमें कबूतर है बहुत सारे, देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और काफ़ी डिजाइन मतलब काफ़ी डिजाइन से बनाई है, और सारे कबूतर ही कबूतर हैं इसमें, जितने भी सारे अपने आराम से इसी में रह रहे हैं, घोंसला बना के, और देख लीजिए, और काफ़ी बढ़िया है ये और अच्छी है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, और देख लीजिए आपकी काफ़ी कुछ बढ़िया सीन है, तो देख लीजिए ये, और काफ़ी अच्छा है। और हम भी यहाँ पर पहली बार आए हैं, और देख लीजिए ये भी कोई मतलब कुआ टाइम में कुछ है ये, पता नहीं। और इसमें ये दो मतलब कोई किसी के दो मतलब वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं, तो उन्हीं की वो क्या बोलते हैं मुसलमान लोगों में, वो सैयद बोलते हैं शायद, वही बना दिए, और इसे भी बंद कर दिया गया है, देख सकते हो। और देख लीजिए मतलब सुंदर नज़ारा यहाँ का लग रहा है। और यहाँ पर ये दो ये मतलब सैयद बोलते हैं मतलब कोई ख़त्म हो गए, उनकी समाधि बना दी है। तो आपको भी पूछ कर बताता हूँ किसी से क्या मतलब किस किस की है ये। और दिल्ली मतलब इसका ऊपर का भी काफ़ी व्यू बढ़िया है यहाँ का, देख सकते हो। ओ भाई, तो देख लीजिए, और इस साइड पे ये टूट गई है, पता नहीं किसने अपने आप टूट गई, किसी ने तोड़ दी है, और ना इधर का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है। और देख लीजिए इसकी स्टोरी, मुझे समझ नहीं आ रही है, आपको आप देख लेना, काबुलीबाग मस्जिद नाम से देख लेना, गूगल पर आप सर्च कर लेना, आपको सारी यहाँ की हिस्ट्री पता चल जाएगी।
तो देख लीजिए टूटा पड़ा हुआ है ये, और पता नहीं ये मतलब टूट गया है कि किसी ने तोड़ दिया है पता नहीं, लेकिन भाई यहाँ पर अच्छा लग रहा है काफ़ी आकर के। और हम आपको और दिखाते हैं पास से, और इस टाइम हम मतलब यहीं पानीपत में हम रह रहे हैं, लेकिन हम रहने वाले यूपी के हैं, आए हैं यहाँ पर अपना थोड़ा कुछ करने। तो देख लीजिए, और यहाँ का काफ़ी अच्छा व्यू है, तो आप देख के आपको बढ़िया लग रहा होगा। और उसके ऊपर शायद वो जीना है जो बंद है, चिड़ियाँ जो वो बंद है, और देखते कि जुगाड़ बन जाए। तो इधर इसके अंदर मतलब काफ़ी इसमें रहस्य, लेकिन जहाँ जो मेन चीज़ है वहाँ ताला लगा रखा है लोगों ने, ये तो इसमें अंदर गुफा है मतलब अंदर इसमें काफ़ी, लेकिन क्या इसमें इस तरफ भी है, इसमें इस तरफ है लेकिन लॉक लगा है, देख सकते हो इसके अंदर जा नहीं सकते हैं। तो आपको यहाँ ज़्यादा रहता आपको दिखा दे रहा हूँ, और ये टूटा फूटा है, और इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा, लेकिन ऊपर चढ़ने की जुगाड़ बन नहीं रही है, देखते हैं अभी चढ़ के आपको। तो चलिए आपको देखते हैं अभी, दिखाते हैं चढ़ के, तो चलते हैं अभी ऊपर और देखते हैं ऊपर मस्जिद पे। तो यहीं पर हैं, तो मतलब काफ़ी जीना नहीं लगी, फिर हम लोग काफ़ी खतरे से चढ़ के आए, मतलब थोड़ी दीवार टूटी है वहाँ से चढ़ के आए हैं। तो मतलब इसमें जाए लोग हैं नहीं पता नहीं, तो हम लोग ऊपर आए हैं, इसमें चढ़े भी रहते हैं लोग, देख सकते काफ़ी लिखा हुआ है इधर ये, तो सारे लोग चढ़ते रहे तो हम भी चढ़ाए, तो देख लीजिए। और अभी आपको मैं यहाँ की जो डिज़ाइन वगैरह काफ़ी कुछ आपको मैं सारा कुछ दिखाऊँगा यहाँ की, तो आपको अभी बैक करके दिखाता हूँ। और ये पीछे यहाँ की काफ़ी डिज़ाइन देख सकते हो आप, ये डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है यहाँ की। और इधर ये आपको इधर भी मस्जिद मतलब जो दिख रही है, मुझे पता नहीं भाई कि मैं तो भाई हिंदू हूँ मुसलमान हूँ क्या क्या होता पता नहीं मुझे। देख लीजिए इधर भी मतलब काफ़ी मस्जिद है जो ऊपर दें जो ये जो इस प्रकार की काफ़ी बनी हुई है, और काफ़ी अच्छा यहाँ का व्यू है, और देख लीजिए। और यहाँ पर सालों चढ़े रहते हैं, तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर, और देख लीजिए इधर भी है, देख लीजिए यहाँ की, और ये पीछे का व्यू है, और देख लीजिए यहाँ इसकी कंडीशन ये है, इतना टूटा फूटा है ये। और देखते हैं मतलब बच्चे काफ़ी यहाँ पर खेलते रहते हैं, और इधर भी है। और अभी आपको मैं और ऊपर थोड़ा चढ़ के दिखाऊँ, और देख लीजिए इधर ये गुफा सी आप देख सकते हो, गुफा नहीं मतलब गेट है निकलने के लिए उधर से इस पास से उधर, तो देख लीजिए। और यहाँ पर काफ़ी ने मतलब अपना नाम वगैरह इस पर मतलब गोद दिया है, तो यहाँ के लोग घूमते रहते हैं यहाँ पे। और ये सीढ़ियाँ पतली पतली इस पर भी हम चढ़ के दिखाते हैं, और इस टाइम हम दो लोग आए हैं अजय और हम, देख लीजिए। और ये पतली पतली सीढ़ियाँ इस पर चढ़ रहे हैं, बहुत ही खतरा है, और इस पर हम ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं से आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए यह व्यू, यहाँ से देखो पानीपत का काफ़ी व्यू लग रहा है, ये पानीपत सिटी है शायद, नहीं सिटी नहीं, ये सिटी नहीं है, ये तो पानीपत से दूर है। और देख लीजिए इधर भी है, तो ज़्यादा ऊपर जाएंगे नहीं, सही नहीं है, अलाउ नहीं है यहाँ का। तो आपको मैं इतना ही दिखा दे रहा हूँ, और आपको आगे चल के दिखाता हूँ, और नीचे से आपको आगे कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। और इधर लीजिए इधर टूट फूटी, और मैं इधर से आया था, मैं हम आए इधर से, ये गंदा नाला आया इधर पीछे जो दिखते जो गेट लगा हुआ जो जाली लोई की, ये गंदा नाला, तो इसी उधर से मैं आया हूँ, तो देख लीजिए। और आप भी आ सकते हो, जा रहे हैं, और मतलब पुरानी है काफ़ी, तो अच्छा लग रहा है, मतलब नए डिजाइन मिल रही है, नए मतलब नई नई चीज़ें इसमें देखने के लिए मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी हम जा रहे हैं इसके नीचे, और इधर भी शायद कुछ उर्दू में लिखा हुआ है पता नहीं, तो ऐसे लिख दिया सारे लोगों ने। देख लीजिए आपको दिखाता हूँ, ये छोटी छोटी मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, काफ़ी है यहाँ पर, तो काफ़ी इसमें मतलब अजीब लग रहा है, मतलब पहली बार आए तो काफ़ी पुराना है ये, थोड़ा डर सा भी लग रहा है। और देख लीजिए यही है छोटी छोटी मस्जिद, तो ये भी काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देख सकते हो, और पहले भी शायद बालू वगैरह थी उसी से बनाई है रेली। और इधर थोड़ा प्लास्टर, यहाँ का प्लास्टर जो छूट गया है, तो हमारा जो दो लोग आए, और देख लीजिए इधर का व्यू, इधर यार थोड़ी धूप आ रही है तो इसलिए साफ नहीं दिख रहा है, वैसे अच्छा व्यू है यहाँ का। और देख लीजिए यहाँ का जो सारा कुछ मतलब जहाँ लोग रहते हैं सारा कुछ दिख रही है, यहाँ के पास की जो एरिया है ये कोई शायद एक फैक्ट्री है, तो यहाँ मतलब फैक्ट्री एरिया है यहाँ पर, मतलब फैक्ट्री वगैरह बहुत सारी हैं इधर, और देख लीजिए यही है। और अभी आपको मैं और भी कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, होगा तो वैसे तो खैर मैं मतलब मस्जिद में घूम ही चुका हूँ, वैसे तो इतना ही है, और लगा काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पर घूमते, देख लीजिए देख सकते हो अब यहाँ का लेंडर जो पड़ा हुआ है ये देख लीजिए, मतलब ईंटों का है काफ़ी, मतलब ऐसा ही है ईंटों का,
तो और अभी मैं चल रहा हूँ और इतना दिल्ली अंदर मतलब सुरंग सी बनी हुई है काफ़ी, मतलब बढ़िया है यहाँ का लग रहा है नज़ारा। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे।